ये एंगल थ्री है और ये एंगल फोर है ये एंगल फाइव है ये सिक्स सेवन एंड एट हमने अब क्या कह रहा है वो एंगल सेवन इफ एंगल सेवन इज 80 डिग्री एंगल सेवन हमें दे रखा है एट्टी डिग्री का राइट फ्रेंड्स फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स बाकी के एंगल्स की वैल्यू निकाली फ्रेंड्स अब ये देखिए एम इज स्ट्रेट लाइन तो एंगल सेवन प्लस एंगल एट ये और ये मिलके कितने का डिग्री के बैठनी चाहिए बिकॉज़ इट्स अ अ लाइन इज़ स्ट्रेट लाइन राइट फ्रेंड्स क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए उसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री तो एंगल सेवन हमें कितना दे रखा है 80, प्लस एंगल एट नहीं दे रखा है इक्वल्स टू वन एट्टी तो एंगल एट कितना आ गया वन एट्टी ये प्लस का था इधर आके माइनस का एट्टी हो गया तो ये कितना आ गया हंड्रेड डिग्री राइट फ्रेंड्स अब ये दोनों पता चल गए अब ये देखिए एंगल एट इज इक्वल्स टू एंगल सिक्स सिमिलरली एंगल फाइव इज इक्वल्स टू एंगल सेवन ये कितना था 80 डिग्री और ये था हम सॉरी ये आया है हमारा एंगल 800 डिग्री और एंगल सेवन था हमारा 80 डिग्री राइट फ्रेंड्स क्यों ये दोनों इक्वल है बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है इसलिए इक्वल है राइट right, फ्रेंड्स अब नेक्स्ट थिंग मैं एंगल एट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल फोर ये पैलर लाइन के नीचे का एंगल है इसी तरीके से ये पैलर लाइन के नीचे का एंगल कितना हुआ हंड्रेड डिग्री इसी तरीके से एंगल सेवन किसके इक्वल है एंगल थ्री के कितना हुआ एट्टी डिग्री क्यों एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल करस्पोंडिंग angles are equal right friends ab similarly ab ye iske corresponding hai ye iske corresponding hai isi tarike se ye angle 5 angle फाइव angle वन के corresponding है कितना है angle फाइव angle फाइव हमारा आया था 80 degree. और angle सिक्स हमारा आया था टू के इक्वल है हंड्रेड डिग्री वाई करस्पोंडिंग एंगल्स किसी भी चाहे आप ऑल्टरनेट एंगल से प्रूव करें वर्टिकली से या करस्पोड से वन इन द सेम थिंग करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल आंसर thank you if you understand the step by step solution of this video please subscribe my channel on maths and share it with your friends thank you